अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अली उस्मान और आप मेरे यूट्यूब चैनल अली उस्मान ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो आपको मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत खुशामदीद। तो उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम अपना न्यू ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं, तो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। गाइस अभी थोड़ी देर पहले हम उठे हैं और जैसे ही हम उठे तो एडिटिंग करना शुरू हो गई, क्योंकि रात को नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी हमें, तो उसकी वजह से हमने ब्लॉग एडिट नहीं किया। चुप, बिल्कुल चुप। अभी हम अपना जो ब्लॉग है ना वो एडिट कर चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हम जाके पोस्ट करेंगे उसको। तो अभी इंटरनेट हमारा स्लो है ना, इसकी वजह से हम लोग पोस्ट अभी नहीं कर सकते। तो हम अभी रोड पर जा रहे हैं कलेजी लेने के लिए और दूध लेने के लिए, तो हम जाते हैं वहाँ पे, फिर आपसे मिलते हैं जैसे ही हम आते हैं। तो गाइस अभी हम लोग कलेजी और दूध लेके आ चुके हैं जो कि हमने नीचे दे दिया, और अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ। तो अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे नीचे, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। देखें गाइस सुरेन के पांव पर लगी है। सुरेन ये कैसे लगी आपको? छुरी से कटी है। आप क्या कर रही थी छुरी से? स्लाइम से पिज्जा बना रही थी। तो पिज्जा तो नहीं बना, यहाँ पे आपकी उंगली कट गई देखो। इसलिए बोलते हैं बेटा छुरी से नहीं खेलते। कैसा लगा मेरा मजाक? तो नकली छुरी से फिर लगी कैसे आपको? असली छुरी है, नकली छुरी है थी ना। हाँ। कट गया फिर। आर यू कॉमेडी मी? तो गाइस इस वक्त तकरीबन 5 बज रहे हैं और हमारा नेट अभी तक इतना ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, उसकी वजह से अभी तक हमारी वीडियो जो नई वाली है वो अभी तक पोस्ट नहीं हुई। तो जैसे ही वो वीडियो पोस्ट होगी आई थिंक वो लेट होगी वीडियो पोस्ट, तो जब नेट चलेगा उसके बाद जाके वीडियो पोस्ट होगी। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे समीर के जो पापा हैं उनके कपड़े लेके बाहर से प्रेस करके लेके आना है, क्योंकि वो कॉटन के कपड़े उस पर थोड़ा वो केमिकल वगैरह कुछ लगाते हैं, उसके बाद फिर जिसको ना प्रेस करते हैं तो उसको सही से प्रेस होता है। तो हम लोग जाएंगे वो कपड़े लेके प्रेस कराने के लिए, फिर आपको मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। One eternity later. गाइस ना कराची में इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि आपको क्या बताएं। बताओ ना, कुछ तो बताओ। अभी मैं हमारे लोगों की शॉप पे मौजूद हूँ और हमारे यहाँ पबजी खेल रहे हैं। मैं शॉप पे से खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, गर्मी इतनी खास नहीं और हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, तो यहाँ पे गर्मी इतनी खास नहीं लगती। अंदर लग रही है गर्मी क्योंकि अंदर धूप है और सारी जो जगह ऊपर जो छत वाली जगह है ऊपर तपिश पड़ती है, उसकी वजह से ना अंदर कमरों में गर्मी महसूस होती है। तो उसकी वजह से हमने बोला कि यार चलो बाहर थोड़ा घूम फिर के आते हैं। गर्मी जहाँ पर छाँव होगी ना वहाँ पर एक पंखा लगा हुआ होगा, जैसे ये कि यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा लगती है तो मज़ा आता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। तो अभी हम समीर के जो पापा के जो कपड़े हैं वो दे के आ चुके हैं, अब असर के बाद उन कपड़ों को लेने जाएंगे और दूध भी लेके आ चुके हैं। वहाँ पे हमें अरसलान भाई बोले थे कि भाई आप हमारी वीडियो बना रहे हो, मैंने उनकी वीडियो भी लगा दी और उनका अपने चैनल का नाम भी बता दिया, हो सकता है वो भी देख लें। तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी हम लोगों ने शायद मैदान में जाना है। मैदान तो हम लोग डेली जाते हैं मगर यार ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि रोज़ रोज़ मैदान की वीडियो डालना। तो देखेंगे कि अभी कहीं भी जाएँ हम लोग, मैंने वैसे दिल को बोला था कि कहीं घूमने जाएँ, तो फिर बताइएगा। तो नजर भाई भी आ गए पहले से, आराम है। कैसे नजर भाई? नया माल है ना, नया माल चाहिए ना, नया माल आया है क्या? आया है सारा, तो मंगवाओ ना। हाँ हाँ मंगवा दो, मंगवा दो, माल तो चाहिए। हाँ सब है, मंगवा लो आप। नहीं है ये माल, नहीं है। ओके तो मंगाओ ना। फ्रिज चाहिए? फ्रिज तो वीआईपी है, फ्रिज चाहिए ना, तो
तो फिर अच्छा हम लोग माल लेने आए तो चलो ना यार, माल लेके आते ना। दावत ऊपर वो थोड़ा शोर है, चलो फिर मैं उसको जैसे वो आते हैं ना मैं उनको बताता हूँ तो आपको कॉल करके बता देंगे। सर वे वो करेंगे ना यार, आपको इसीलिए तो दी थी ताकि आप एक्सचेंज करके लाओ। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो भाई अभी हमारे साथ माहिर खान मौजूद है भाई, हाथ लाओ। अब बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें भाई इसके चैनल को। बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं। तो अभी आने यहाँ पे आने से पहले हम लोग गए थे मुर्जा के साथ, वो उसकी थोड़ी चप्पल टूट गई थी, पीछे दिल भाई आ गए। हाँ भाई किधर आए थे तुम? ये बंदा सुबह से शराब घोट गया और अभी अभी यहाँ पे आए ना खुआ रहे। देख कुकू तबाह कर दे कुछ ना। नहीं भाई माहिर खान यार इनका नेम है और हम लोग उसको ना प्यार से बुलाते हैं। इसका असली नाम वैसे साकिब है। अच्छा हमको सिखा रहा है ऐसे ही है यू डबल टू। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो भाई अभी हम लोग मैच एंजॉय कर रहे हैं, चलो आपको थोड़ी हाईलाइट दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। कहाँ गए थे भैया आप? मैं नहीं बताऊंगा। कितनी बसें भेजी आज और सवारियाँ? सवारियाँ फुल फीडर। नहीं तुम्हारी अपनी सवारियाँ कितनी दी जाती? अपनी थी 10-12। चल झूठा। तो ये बंदे का बिजनेस है, ये बंदा ना सवारियाँ भेजता है। तो गाइस हम सोच रहे हैं कि कभी इनके जाएं इधर अड्डे पे, यहाँ पे करेंगे ब्लॉगिंग, बहुत मजा आएगा। अगर आपने देखनी है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। आ गया तू जवान हो के। तो गाइस फाइनली हम ग्राउंड से भी आ चुके हैं और रास्ते में हमने वो जो प्रेस करने के लिए कपड़े दिए थे वो भी लेके आ चुके हैं। चलें पहले हम आपको दिखाते हैं प्रेस किए हुए कपड़े, फिर उसके बाद हम अपना ब्लॉग एंड करेंगे। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपको पहले कपड़े दिखाते हैं, चलें। देखें गाइस ये जोड़ा है जो हम जो ना प्रेस करवा के लाए हैं बाहर से, तो अभी इसको लॉक करते हैं और अभी हमारा जो ग्राउंड में मैच चल रहा था तो हम मैच छोड़ के आ गए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं खेल रहा था, क्योंकि मैं कल भी खेला था उसकी वजह से मेरी ब्लॉगिंग की जो शूट टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। जैसे कि अक्सर मैं करता हूँ 12-13 मिनट की वीडियो होती है, मगर इस बार 10-11 मिनट की वीडियो बन रही थी। मैंने बोला यार गेम आज नहीं खेलते, आज इन लोगों को बोलते कि भाई तुम लोग किसी साथ मैच खेल लो, प्रैक्टिस आज नहीं करते फिर कभी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वो लोग मैच खेल रहे थे तो मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा था कुछ भी। तो गाइस अभी अभी मैं नीचे से आया हूँ और मेरे जो चाचू हैं जिनकी शॉप है उन्होंने बताया कि भाई नज़र भाई आइसक्रीम लेके आ चुके हैं। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं आइसक्रीम देखने के लिए, तो आपको भी दिखाएंगे कौन कौन सी आइसक्रीम लेके आए हैं और कौन कौन से फ्लेवर की लेके आए हैं। चले हम आपको दिखाते हैं आइसक्रीम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो भाई एक ये वाली आई है डोनट और एक ये वाली आई है चौक चौक बार
और साथ में ये कौन आई है, ये वाली किंग कौन, और ये साथ में रॉयल कौन, इसके अलावा ये फीस्ट, और ये 10 वाली आई है साथ, और भी नीचे यहाँ पे रखी हुई है, मगर एक मिनट दिखाते हैं आपको। ये देखें आप, ये टर्टल वाली नहीं है, तो अभी आई है सारी, तो आपको कल तक से दिखाएंगे, शायद यहाँ पे कुछ और नहीं पड़ी होगी। ये अभी एक ये भी नहीं, चौक आइस, तो सारी वैरायटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, तो फिर कभी आपको खा के बताएंगे कि कैसी है ये। ये दूध वाली 10 वाली नहीं आई है ये भी, तो फिलहाल ये माल आया है, नीचे भी पड़ा हुआ है, फिर कभी आपको तफसील से दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और उनको बोलें भाई सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।